हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, उस आधुनिक काल की विभिन्न धाराओं में आपने नाम सुना होगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। वस्तुतः इसे आधुनिक काल की जो इतनी धाराएं चली हमारे हिंदी साहित्य में, उसके पीछे कई कारक रहे हैं। भारतेंदुकालीन साहित्य की अपनी विशेषताएं रही, द्विवेदी काल जो 1900 से 1918 तक चला उसकी अपनी विशिष्टताएं रही, उसके बाद छायावाद का उदय होता है। इस युग को समझने से पहले आपको द्विवेदी युग की वो विशेषताएं ध्यान में लानी होगी जिसके बाद इस युग का अवतरण होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका सरस्वती 1903 में वो संपादक बनते हैं, तो एक मानक तय कर देते हैं कि मनोरंजन में केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, जो रामचरितमानस हर कहीं सम्मान्य है उसमें उचित उपदेश का प्राधान्य है। यानी उस कविता में, उस कालखंड की जितनी कविताएं आती है उसमें आदर्श महत्वपूर्ण तत्व था, इतिहास के व्रतों को आधार बना करके रचनाएं, हमारे जो पौराणिक पात्र थे, महाकाव्य थे, उनके आधार पर उनकी रचनाएं थी। और कोशिश ये की गई कि समाज को एक अलग तरह का संदेश जाए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि स्थूल रचनाएं सामने आई, पूरे समाज यानी समष्टि की रचनाएं सामने आई, लेकिन धीरे धीरे कवियों का मन कुछ और दृष्टि से भी जाने लगा। निराला की 1916 में कविता आती है जूही की कवि, वो बिल्कुल उस विचार से अलग थी। हालांकि उस द्विवेदी युगीन कवियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस कविता में कुछ चमत्कार था। ऐसा माना जाता है कि उस कविता के बाद एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। 1918 के आसपास कई कवियों की खोज सामने आ गई और वो छायावाद के नाम से विख्यात हो गया। मुकुटधर पांडे एक आलोचक हुआ, इसने इसका मजाक उड़ाया, ये कविता क्या कविता नहीं बल्कि कविता की छाया है। लेकिन जब उन्होंने छायावाद नाम दिया तो वह उन कवियों को भी अच्छा लगने लगा जो उनकी आलोचना के पात्र बन रहे थे, और यह नाम प्रसिद्ध हो गया। किसी ने इसे कहा कि यह तो आत्मा पर परमात्मा की छाया है, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मूलतः छायावाद है क्या और छायावाद की खास खास विशेषताएं क्या है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस छायावादी काव्य संसार के जो बड़े रचनाकार हैं, आपको नाम ध्यान में रहना चाहिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नीरा, ये चार इसके स्तंभ हैं। लेकिन इनके समानांतर और भी कई कवि हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, इसके अलावा शिवमंगल सिंह सुमन, भगवती चरण वर्मा, ऐसे कई कवि हुए हैं जो इससे रचनाएं, इस रचना यानी इसका कालखंड 18 साल का है। और इस 18 साल में जो रचनाएं हुई उनकी खास विशेषताएं क्या थी, तो इस समय में रचने यानी रचे गए प्रमुख प्रतियों की भी आप देखें तो उसमें क्या, पंत का पल्लव, निराला का परिमल, प्रसाद की कामायनी, निराला की सरोजी स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण कृतियां हुई जो हिंदी साहित्य की कालजयी कृतियां हो गई, उसमें जो विचार आए उसी के आधार पर हम छायावाद की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। जो सबसे पहली विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता जिसके आधार पर छायावाद जाना गया वह है प्रकृति प्रेम। पहली विशेषता इसकी प्रकृति प्रेम। प्रकृति के बारे में आपने देखा होगा कि ऋतिकालीन कवियों ने बहुत रचनाएं, कुलन में कैलिन कचारन में कलिन कलिन किलकंद है, इस तरह से रचनाएं, लेकिन वहां के प्रकृति वर्णन में और यहां के प्रकृति वर्णन में कुछ अंतर आ जाता है। यूं तो आपको भारतीय युग में भी प्रकृति वर्णन दिखेगा, द्विवेदी काल में भी दिखेगा, लेकिन यहां तक आते आते प्रकृति के बारे में सूक्ष्म विवेचना कवियों ने प्रारंभ,
प्रकृति में वो अपना बिंब देखने लगे, प्रकृति में उस महान सत्ता का प्रतिबिंब देखने लगे, यानी प्रकृति के बारे में इतना सूक्ष्म वर्णन पहले कभी हिंदी साहित्य में नहीं हुआ और उसका यहाँ पर पहली बार दिग्दर्शन हुआ। आपको कविता याद होगी प्रसाद की, कौन सी? विधि विभाव याद की। उसके अंदर देखो पंक्ति सुनना, खग कुल कुल सा बोल रहा, पक्षी है उसकी छोटी छोटी आवाज है, चहकने की आवाज है, प्रातःकालीन मेला उषा का समय देखना। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का चल डोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का चल डोल रहा, लोह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावर जागरी। रात्रि का सौंदर्य पहले भी कई बार वर्णन कर रहा हूं, उसके बाद सुबह कैसा होता है उसका भी वर्णन आया होगा, लेकिन इस दृष्टि से इतना सूक्ष्म वर्णन जिस तरह से छायावादी कवियों ने किया वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला, कि कैसे वो पक्षी आवाज कर रहे हैं, कैसे किसलय खिल रहे हैं, कैसे कलियां खिल रही है, कैसे नए पत्ते आ रहे हैं। और उस पर इन कवियों ने, आप सुमित्रानंदन पंत को देखिए, जिन्होंने प्रकृति के जितने रूप हो सकते हैं उनका वर्णन किया, चाहे वो आलम्बन रूप में हो, चाहे उद्दीपन रूप में हो, चाहे अलंकार रूप में हो, चाहे मानवीकरण हो, प्रकृति को पहली बार मानव रूप में प्रस्तुत करने का काम भी इन कवियों ने किया। संध्या सुंदरी परिसी आपने देखा होगा, तो प्रकृति के जिसमें सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, झरना हो, सभी पर्वत प्रदेश में पावस, और पंत को यहां तक कह देते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाने कैसे उलझा, यानी सौंदर्य की प्रतिष्ठा जो रीति काल में उन लोगों ने की थी कि नारी सौंदर्य को ही सर्वस्व मान लिया, लेकिन पंत यहां पर उसे भी अस्वीकार कर देते हैं कि मेरे सामने पत्तों की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है, हे बालिके तेरे बाल जाल में अपने रोचक जा नहीं सकता। देव प्रकृति से प्रेम इन छायावादी कवियों को कितना, कितनी गहराई से रहा होगा इसको आप देख सकते हैं। दूसरी विशेषता की ओर बढ़ते हम लोग, कि छायावादी कविता कविता में प्रेम महत्वपूर्ण अंश के रूप में प्रकट होता है। प्रेम भावना इसकी दूसरी विशेषता है। प्रेम के विविध रूप साहित्य के आरंभ से ही है। कबीर ने भी कह दिया, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान को है, ढाई आखर प्रेम का पड़े से पंडित को है। वहां पर प्रेम आया। भक्ति काल का प्रेम आपने पूरा पूरा वर्णन देखा होगा, ईश्वर से वो लोग प्रेम कर लेते हैं। रीति काल में तो प्रेम का जितना वर्णन हो सकता है उन 200 सालों में कवियों ने किया है। प्रेम की पराकाष्ठा वहां पर पार हो चुकी, यहां का प्रेम थोड़ा सा कुछ गहराई लिए हुए है, और ये प्रेम सांसारिक प्रेम से लेकर आध्यात्मिक प्रेम तक प्रकट हो जाता है। एक छोटे से बालक के प्रति भी प्रेम है, प्रेयसी के प्रति प्रेम है, तो परमात्मा के प्रति भी प्रेम है। आपने प्रसाद की वो पंक्ति पढ़ी होगी, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, निराला की अपनी पुत्री के प्रति सरोज के प्रति जो प्रेम है वो भी आपने देखा है। और आध्यात्मिक प्रेम में मैं विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात महादेव का प्रेम भी देखा है। ये प्रेम गहराई लिए हुए है और उस प्रेम में सात्विकता है, और नारी का जो सौंदर्य है वहां पर भी सूक्ष्म रूप के साथ साथ उसके उदात्त प्रेम को। प्रसाद की एक कालजयी पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पंकल में, पुष्प स्रोत से बाहर करो जीवन के सुंदर संकल में। इससे पहले द्विवेदी युग में त्रिशरण गुप्त ने कहा था नारी के बारे में, गमला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दो आंखों में पानी, उसकी करुणावस्था का वर्णन किया,
लेकिन यहाँ पर प्रसाद में आते आते उसको प्रेम का स्वरूप किस रूप में दिया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अर्थात मनुष्य के पुरुष के जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो, यदि वो पुरुष कुछ हासिल कर रहा है तो वो तुम्हारे माध्यम से। सरोज स्मृति में अपनी पुत्री के प्रति निराला का पूर्ण प्रेम इसमें प्रकट हो जाता है। इसी तरीके से प्रसाद अपनी विस्मृत यादों में, जिस समय वो अपनी पत्नी के साथ है उसके बाद आपको नहीं रही, उन यादों को वो किस तरह से प्रकट कर रहा है, यहां पर प्रेम की गहराई उदात्त रूप में आती है। अगली भावना है सौंदर्य, और सौंदर्य के बारे में जो चित्रण है पुराने कवियों के मन में अलग भावनाएं रही होगी, रीतिकाल में अलग भावनाएं रही होगी, यहां पर सौंदर्य की परिभाषा कुछ बदलती हुई सी दिखती है। तीसरी विशेषता जो छायावास की है वो है सौंदर्य, सौंदर्य चित्रण। अब सौंदर्य किसका, इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य से लेकर के मनुष्य के सौंदर्य तक का चित्रण किया है, और वह न केवल बाहरी सौंदर्य बल्कि उसके आंतरिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है। अब देखें प्राकृतिक सौंदर्य की पंक्ति देखना, तो इसकी जयशंकर प्रसाद की उषा सुनारे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदय पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। अब यहां देखिए सुनहरी उषा है, उसका सुंदर चित्र है, और हिमालय की उसी चोटी पर बैठा हुआ मनु भी है, और उसकी दृष्टि के साथ मनुष्य को जोड़ दिया, मनु को जोड़ते हुए वो सौंदर्य वर्णन कर रहा है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल जा, एक पुरुष भीगे नयनों से एक रहा था प्रलय प्रवाह। अब वहां पर सृष्टि के क्रम की कथा है, सौंदर्य वर्णन उसने हिमालय का है, और उसके साथ होगी तरुण कथा, और नीति विभावी का तो मैंने बता ही दिया। इस सौंदर्य कैसे अधम में रागंद पिए, अलकों में मल यजबंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। अब यहां पर उस नायिका का चित्रण है जो वो रात को देर से सोई और उसके रात विहाग उसके आंखों में लहरा रहा है। तो सौंदर्य चारों तरफ से एक, और उसके साथ जो लक्षणा लाक्षणिक सौंदर्य यानी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके अंदर शब्द चयन वगैरह काफी चीजें इसके अंदर थी। तो ये छाया वाली कविता है कला के रूप में और सौंदर्य के रूप में प्रकृति को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करते हुए मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य का भी उद्घाटन करती है। पंक्तियां कामायनी का जो श्रद्धा का सौंदर्य प्रकट करते हुए कि नील परिहार भी सुकुमार खुल रहा बदौलत खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ में भी गुलाबी रंग, यानी जगह जगह पर आप उसके अंदर देखोगे कि आप कहीं पर आलंकन रूप में सौंदर्य है, कहीं उद्दीपन रूप में सौंदर्य और कहीं अलंकार रूप में सौंदर्य। जो अगली विशेषता आपको याद रखना चाहिए कि जिस समय यह कविता लिखी जा रही थी उस समय देश में आजादी का आंदोलन भी चल रहा है, और उस आजादी के आंदोलन के साथ यहां के रहने वाले लोगों की करुण कथाएं भी सामने आ रही थी। एक तरफ प्रेमचंद अपनी कहानियों में यहाँ के जिंदगी का चित्रण कर रहे थे, चाहे गोदान हो, गबन हो, सेवा सदन ऐसे उपन्यास हो, उसी समय समानांतर रूप से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यधारा चल रही थी जो देश के आजादी के आंदोलन की कहानी पढ़ रही थी और लोगों को जागरूक कर रही थी। इन कवियों ने, छायावादी कवियों ने उस समय मनुष्य के मूल को पहुंचाया, पहचान कि मनुष्य क्या है, क्या मनुष्य मानवता का जीवन भी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, हमारे साथ मानवीय व्यवहार भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मानवतावाद की प्रतिष्ठा इन कवियों का एक बड़ा लक्ष्य था, और चौथी विशेषता इनकी कविताओं में मिलती है मानवता। प्रथम विश्व युद्ध उस समय हो चुका था 1914 में, दुनिया उसके बाद भी
शांति की कल्पना नहीं कर रही थी। इधर अंग्रेजों का साम्राज्य, समानांतर रूप में पदार्थवादी दृष्टि से हम आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन हमारा आदर्श मर मिट चुके। हम लोग आसमान में उड़ना सीख गए थे, पानी में मछली की तरह तैरना सीख गए थे, पाताल को खोद कर अंदर उतरना सीख गए थे, लेकिन धरती पर रहना हम नहीं सीख पाए थे। दिनकर जैसा कवि इस आरंभ में यहां लिख देता है कि आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत टूट रही। आवर्तों का विषम जाल निरुपाय बुद्धि चक्राती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। यानी हम विज्ञान के यान पर चढ़ तो गए, लेकिन सभ्य रूप में रहना इस धरती पर हमको नहीं आया। और यही कारण कि मानवतावाद की प्रतिष्ठा करते हुए इन कवियों ने लिखा क्या कामायनी की वो पंक्ति कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। कामायनी का मूल संदेश भी समरसता है। हमें विज्ञान की प्रगति के साथ धरती पर व्यवस्थित ढंग से रहने का भी एक संकल्पना हमारे मन में होनी चाहिए। ये दृष्टि को दे देते हैं कि जब कामायनी की जो मूल कहानी है आपको ध्यान में है, तो बुद्धि के ईड़ा के साथ जब मनु रहता है तो संसार में क्या होता है, विप्लवी होता है, क्योंकि ये मन है चंचल अवस्था में। लेकिन जब शिव भाव तक पहुंचाते तो कौन पहुंचाती है, श्रद्धा ही पहुंचाती है, और वह समरसता की स्थिति होती है जहां पर आराम से मनुष्य सृष्टि के कल्याण की संस्था है। तो औरों को हंसते देखो मनु, कौन कहती है, श्रद्धा कहती है, आप देखो लोग हंस रहे हैं, हंसे हमारे सामने खुश रहे, तुम भी हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जब आप हंसोगे दुनिया हंसेगी, दुनिया खुश होगी आप खुश होंगे, तो इस तरह से सुख का विस्तार हो जाएगा। और यही सृष्टि का नियम इन लोगों ने यह भी सोचा, यानी हम आजादी तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन पहले इस समाज में जो समरसता होनी चाहिए उसके हमारे मन में एक दृष्टि होनी चाहिए, इन लोगों ने कहा। एक छायावाद पर आरोप लगता है कि जिस समय देश आजादी के आंदोलन से उलझ रहा था, हर व्यक्ति उसमें डूब रहा था, लेकिन इन लोगों ने ऐसी कविताएं नहीं लिखी। आरोप गलत। आप प्रत्येक कवि की कविता के अंदर उसे कहीं कहीं नजर आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद की देखिए, आप इधर उन्हें कमाएंगे, आपकी छायावाद बहुत बेहतरीन प्रति है, लेकिन जब आप उनके नाटकों का अध्ययन करोगे तो उसमें आपको मिलेगा अरुण मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी, ये सारे के सारे नाटक राष्ट्रीयता का प्रसार करते हैं। निराला की कविता जाऊं फिर एक बार, ये क्या है, राम की शक्ति पूजा क्या है, राष्ट्रीयता का स्वर प्रदान करने वाली, तो राष्ट्रीयता का स्वर भी इस कविता में। मुंडेरे हर कौरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान इसी कालखंड की, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, कौन कहता है, पुष्प के अभिलाषा में कौन कहते हैं, मखमाखलाल चतुर्वेदी कहता है, उस पद पर फेंक देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कौन कहता है, बालकृष्ण शर्मा रवींद्र, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, ऐसी कविता ये कविता है। आपको उस समय देश का आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ रही। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो केवल द्विवेदी युग से छायावाद को अलग करने के लिए काफी है, और वो है वैयक्तिकता। यानी उससे पहले की कविता में कभी अपने लिए कविताएं नहीं लिखी गई, केवल समाज को ध्यान में रखकर ही कविताएं लिखी गई। इसका अगला बिंदु आता है इन कवियों की दृष्टि थी, ठीक है मैं समाज के बारे में भी लिखूंगा, लेकिन मेरे मन की जो पीड़ा है, क्या पता वही पीड़ा हो समाज की पीड़ा हो, उसके मन का भी दर्द हो सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि वह दर्द समाज का दर्द बन जाए, तो हो सकता है उनकी भी भावनाएं वहां पर प्रकट हो जाए।
निराला ने जब सरोज स्मृति लिखी उनके मन की वेदना तो थी, लेकिन उस कविता में केवल सरोज का ही वर्णन नहीं है बल्कि उस समय के समाज की अंधविश्वासों, कुरीतियों, उनके कुचालों का भी वर्णन है। यहां पर मैंने नई शैली अपनाई, देखा है देखने जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति का स्वयं का दुख उसी का दुख है, उसके जैसे कई लोगों का दुख हो सकता है, उसकी पीड़ाएं हो सकती है। तो पहली बार यह प्रयोग हुआ कि आत्मनिष्ठता या वैयक्तिकता उस कविता में होगा और निराला स्वयं घोषणा हो गए करते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। और महादेव वर्मा की कविता आपने जो पढ़ी, क्या कहा उसने, मैं नीर भरी दुख की बदली गिरह का जल जात जीवन हीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी। ये सब क्या थी अपनी आत्म पीड़ा थी, लेकिन वह आत्म पीड़ा केवल अकेले की नहीं बल्कि समाज की समष्टि की ऊंचे से अनेक लोगों की पीड़ा हो सकती है, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने कविता लिखी। ऐसा कहीं नहीं लगता कि इस व्यक्ति व्यक्तिता में उनकी आत्मष्ठा प्रकट हो रही हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने समाज में क्या दिया, क्या दिया, ये व्यक्तिता बहुत बड़ी बात थी कि उस समय भी उन्होंने अपनी उस व्यक्तिता को सामाजिकता से जोड़ दिया। उससे पहले की कविताओं में ऐसी दृष्टि नहीं दिखती। एक अगली विशेषता जो इस युग की है और वह भी पहली बार आती है, मानवीकरण। किसका मानवीकरण है, प्रकृति केवल फूल पत्ते पौधे पहाड़ पर्वत ऐसा नहीं, बल्कि इन्होंने उसे पहली बार मनुष्य के रूप में देखा और उसका जो वर्णन किया, जैसे वसंत रजनी महादेव वर्मा की कविता में पढ़ी, उसमें क्या वसंत काल की रात्रि का एक युवती की तरह वर्णन है। संध्या सुंदरी निराला की कविता है जिसमें संध्या को एक सुंदरी की तरह प्रकट होते हुए दिखाया गया और उस तरह से वो कैसे कदम बढ़ाती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, वो कविता उसमें आती है। इसके साथ कमाई पंक्ति की सिंधु से अब तनिक संकुचित बैठी सी सिंधु से जड़ी प्रकृति का प्रलय हो गया है और उसके बाद चारों तरफ पानी पानी और उसके अंदर धरती ऐसी लग रही है कि जैसे कोई सेज हो और धरती पर धरती के स्वरूप के साथ जैसे कोई वधु किसी सेज पर बैठी हुई हो, सिंधु चारों तरफ सागर है। यानी एक तरह से प्रकृति को जीवन के साथ जोड़ करके उन्होंने उसको अपने साथ प्रकट किया। महादेव वर्मा की वसंत रजनी आपको मैंने चर्चा की ही है, दिवसा अवसान का समय वो वाल पंक्ति आपने पढ़ी ही है, कहो कौन तुम दमयंती से इस तरुतल के नीचे सोए, क्या तुम्हें भी छोड़ गया अली ललसा निश्चुर कोई, बंद की पंक्ति है। यहाँ पर वो उन सभी जीवन के तथ्यों को किसके साथ जोड़ देते हैं, प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और मानवीय तत्वों का प्रकट करते हैं। एक बिंदु जो इस छायावाद का वो है रहस्यात्मक, कई बार वर्णन इतना दार्शनिक हो गया यहां ऐसा लगने लगा कि वो रहस्यमय कविता है। नींद थी मेरी है ना, उसमें दिन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी, कौन कह रहे हैं, महादेव वर्मा कह रहे हैं। अब उस कविता में आप देखेंगे तो अद्वैत है, कहीं ऐसा लगता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं, कहीं ऐसा लगा कि वो अज्ञात प्रीतम के प्रति क्या सोच रहे हैं। जब कामायनी में लिखते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, इस अनंत में विचरण करने वाले हैं परमात्मा प्रभु, नाम नहीं दे रहे परमात्मा कौन है, प्रभु कौन है, राम है, कृष्ण है, कौन है, ऐसा कुछ नहीं है। हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं, यहां पर उस रहस्यात्मकता में भी एक छिपी हुई दृष्टि है कि वो अनिर्णित अवस्था में है कि वो किसकी आराधना, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, अंत तक महादेवी वर्मा यह निर्णय नहीं कर पाते वो किसके विरह में चल पाए, लेकिन वह जो पंक्ति है उसमें यह प्रकट होता है कि वह किसी किसी उसी अज्ञात प्रीतम यानी परमात्मा के प्रति की आकर्षण, इसीलिए उसे कभी कई बार कहा गया कि आधुनिक युग की मीरा। रहस्यात्मकता इस युग की
महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का भी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का भी, इससे पहले की जो कविताएं हैं बड़ा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसा नहीं वरदे नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अब देश एक बहुत बड़ी संरचना, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत, आसमान बड़ा, यानी यह स्थूल है, लेकिन इस कविता में आते आते वो कहां चले गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उनकी दृष्टि केवल उस उपवन में नहीं थी, बल्कि उस उपवन में खिले हुए गुलाब, उस गुलाब के ऊपर पंखुड़ियां, उस पंखुड़ियों के ऊपर गिरी हुई ओस की बूंदे, और ओस की बूंदों में भी सुनहरी किरण की चमक वहां तक है। और वहीं तक नहीं, बल्कि उस ओस के बिंदुओं में भी अपने कहीं हृदय की करुणा को भी उन्होंने प्रकट कर दिया। ये सूक्ष्म था, सूक्ष्म वर्णन था। और ये हिमगिरी को खास तौर से कहते हैं प्रसाद, कहते हैं दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक देर, धरा की सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है भी। प्रकृति के एक बिंब में वो कहीं तो देखते हैं कि यहां कहीं मेरी पीड़ा नजर आ रही है, कहीं मैं नजर आ रहा हूं, कहां पर कोई दूसरा नजर आ रहा है, कहीं पर संसार की एक बहुत बड़ी घटना नजर आ रही है। ये सब इस कविता में मिला। जहां तक इस कविता के अंदर कलात्मक सौंदर्य का वर्णन है, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया। आपने साकेत क्या अंश पढ़ा था, हरिओद क्या प्री प्रवास का अंश पढ़ा था, और उसकी भाषा और प्रसाद तक आते आते कवियों की भाषा में कुछ अंतर दिखा होगा, भाषागत परिवर्तन दिखा होगा। वो क्या था? उस भाषा में प्रसाद गुण है, सीधी सपाट भाषा है। सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जना रसा पाए, उसमें कुछ भी लाक्षणिकता नहीं है, अविरा है, स्पष्टतया है। जैसे पंक्ति को पढ़ोगे आप उसका अर्थ सामने, या हरिओद की ऊपरी प्रवास की, मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए मधुबन से ओन भेजा संदेशा, मैं प्रेम विरह में बावली हो रही हूं। ये पंक्ति क्या है, बिल्कुल अंधा। लेकिन यहां आते आते छायावाद में उसके अंदर लाक्षणिकता आ जाती है, लाक्षणिकता आ जाती है, व्यंजना आ जाती है। अंबर पनगट से डुबो रही, अंबर पनगट में डुबो रही तारा प्रदूषण, आप एक एक शब्द को जब देखेंगे तो लगेगा कि इसके अंदर कहीं रूपक है, कहीं अलंकार है, कहीं मानवीकरण है, और किस तरह से घटना। आप द्विवेदी की कविता में चले जाइए, वहां के नायक कौन मिलेंगे, कोई कोई महापुरुष होगा, कोई पौराणिक पात्र होगा, गर्ण होगा, परशुराम होंगे, इस तरह से होंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने बिंब किसको बनाया, तारा घट उषा नागरी, अंबर पनगट में, पनगट पर जाती हुई पनिहारी है, इसका वर्णन उससे पहले की कविता में ढूंढो कहीं नहीं मिल रहा है। निसंदेह अलंकार है, कौन सा रूपक है, मानवीकरण है, लेकिन उसके साथ जो घटना जोड़ी गई वो भी आपको देखनी चाहिए। ये क्या भाषा शैली यहां पर कौन सी हो गई, लाक्षणिक पदावली हो गई, लाक्षणिकता, भाषा में लाक्षणिकता। ऐसा संगीत का भी लोगों ने ध्यान रखा। इससे पहले की कविताएं तो निश्चित रूप से छंदबद्ध थी। इसी कालखंड में निराला ने एक नया प्रयोग किया, मुक्त छंद। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि रबर छंद है, केंचुआ छंद है, लेकिन उस कविता में आंतरिक लय थी, लय से मुक्त नहीं हुई कविता, लेकिन एक नया प्रयोग था। उस मुक्त छंद में आप पंक्ति देखना, जो वह आता
तो टोक कलेजे के करता पछताता पत पर आता, किसी प्रामाणिक छंद नहीं था। कोई शिखरणी हो या अमृत लंबी ऐसा संस्कृत से आई हो परंपरा में छंद भी नहीं था कि दोहा था ना सोलटा था ना रोड़ा था, लेकिन उसके अंदर लाइट थी। और उसके पीछे इनका मंतव्य क्या था कि कविता बंधनों से मुक्ति का नाम है। कविता को बंधन में कैसे बांधा जा सकता है, इन कवियों की एक धारणा थी कि कविता को बंधन में हम नहीं बांध सकते, क्योंकि कविता तो हृदय की मुक्ति करती है। जब हृदय मुक्त होना चाहता है तो कविता को क्यों बांधा जा रहा है, तो मुक्त छंद का प्रयोग भी इस कविता में नहीं, दुख की बत्ती फिर वापस नीचे पंक्ति आती, लय तो है लेकिन मुक्त छंद का प्रयोग भी यहां पर है। ये पहली बात, ये मैं जितने भी विशेषताएं बता रहा हूं वो कुछ अलग है जो उससे पहले काल में नहीं है। प्रतीक योजना की तरफ से जितने प्रतीक परंपरागत थे उसमें भी कुछ प्रयोग हुए। इस काल के अंदर हर कवि ने अपने नए प्रतीक गढ़े और कुछ प्रतीक इतने लोकप्रिय हो गए कि जैसे ही महादेव वर्मा का नाम लेते हैं दीपक मधुर मधुर मेरे दीपक जल, किसका है, महादेव वर्मा, विरह का जल जात जीवन विरह का जल जात कमल उनका, मैं नीर भरी दुखी बदली महादेव वर्मा का बादल प्रतीक, यानी ये जो प्रतीक बने वो इनके लिए इनके खास कौन से व्यक्ति के छाप बन गए। निराला जी अपने प्रतीक गढ़े, यानी कुल मिलाकर के प्रतीक योजना इस कविता में आपको काफी गहराई से दिखती है। इसके अलावा जो कला पक्ष की दृष्टि से इस काल की खास तौर से विशेषता है गीति शैली, यानी संगीत तत्व जिसकी मैं चर्चा कर रहा था गीतों में ही इन्होंने लिखा है। और खास तौर से गीति शैली में नाम आता है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा ऐसा लिख रहे कि जैसे कोई रागिनी पर आधारित कोई पंक्तियां संगीत उसमें दुबा हुआ है। पंक्ति देखें आप, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण ने, पंक्ति पढ़ी ना आपने संगीत कैसे देखो इसे, कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण ने, प्रथम जागती थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप भुजो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूं कुलहीन प्रवाहिनी हूं, दीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। ये कोई परंपरागत छंद नहीं, जैसे कोई मंच पर गाया जाने वाला गीत हो सकता है, लोगों को आकर्षित करने का गीत हो सकता है, इस गीत के अंदर संगीत के सारे गुण है, गीता है, आत्मनिष्ठता है, अनुभूति है, स्वर है, ये सब इस छायावादी कविता में आपको दिखाई देगा। इस तरह से विरह है काल जात ये भी एक गीत में है, इसी तरीके से धीरे धीरे उतर क्षति में पंत ने भी ऐसे ही पंक्तियां लिखी, इस तरह से कामायनी तो पूरे छंदबद्ध है ही, प्रसाद ने कई भी तरह के अंदर से मिलेंगे, ये सब चीजें इस छायावाद को प्रकट कर देती है। तो कुल मिलाकर के इस 18 साल के काल में प्रगतिवाद के उद्देश्य से पहले जो इन कवियों ने स्थापनाएं दी है, ऐसा माना जाता है कि भक्ति काल के बाद कोई शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि का कविता आती है तो इसी दृष्टि में है, इसी काल में है। कामायनी आपका इस कालखंड का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महाकाव्य तक श्रेणी में माना गया है, और महाकाव्य में तो जो परंपरागत चीजें थी यहां पर पहली बार मन की वृत्तियों को आधार बनाकर सर्ग रचना हुई। कामायनी इस हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पल्लव और परिमल ये दोनों काव्य संग्रह प्रकृति वर्णन की पृष्ठ वंचना है। महादेव वर्मा
जो वेदना का स्वर अपने कविता में प्रमाणित करती है ये साक्षात मीरा का दूसरा रूप है। यानी कुल मिलाकर के ये जो कविता है छायावाद और छायावादी कविता के अंदर जो प्रवृत्तियां है वो अपने हिंदी साहित्य का अनमोल विशिष्टता है, हमको उसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए।